रैबिट केयर विद सिद्धार्थ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रैबिट लाने से पहले घर में कौन सी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। मैं आपको उसके पिक्चर भी बताऊंगा और नाम भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, फर्स्ट है केज। केज आप बोलोगे हम रैबिट को केज के अंदर क्यों रखें, हम तो उसे खुला भी रख सकते हैं। पर खुला जब आप रखोगे तो दिन में रखोगे, पर रात को आपको उसे केज के अंदर डालना ही पड़ेगा। और जब घर पे मेहमान आते हैं तब भी आपको उसे केज के अंदर डालना पड़ेगा। ये आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या फिर आप पेट शॉप से भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट है हाइडी हाउस। आप सभी को पता ही होगा कि हाइडी हाउस क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रैबिट प्रे एनिमल होते हैं। उनको कभी स्ट्रेंज फील होगा तो वो इस दरवाजे से अंदर घुसेंगे, और जैसे स्ट्रेंज इस दरवाजे से आएगा वो इस दरवाजे से भाग जाएंगे। आप इसे किसी भी खड्डे से बना सकते हैं, पर याद रखना उसमें दो होल होने चाहिए। जैसे मैंने इधर से एक बनाया है और इधर से एक बनाया है। तो चलिए नेक्स्ट इधर बढ़ते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट है हीटर। आप सभी को पता ही होगा कि रैबिट्स हे खाते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप हीटर ऐसे घर पर खड्डे से भी बना सकते हैं या फिर जो ऑनलाइन मिलता है ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इधर बढ़ते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट है टनल। आप सभी को पता ही होगा कि रैबिट जब जंगल में रहते हैं तो वो गड्ढे के अंदर रहते हैं। वैसे आप घर पे गड्ढा तो नहीं बना सकते हैं, पर टनल जरूर बना सकते हैं। आप इसे खड्डे से भी बना सकते हैं। मेरी बहुत छोटी है क्योंकि ये मैं हाइडी हाउस के साथ अटैच रखता हूँ। आप बड़ी भी बना सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं हाइडी हाउस को कैसे अटैच करता हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हैं मेरी जो हाइडी हाउस में उधर होल था उसको मैंने टनल अटैच कर दिया है। रैबिट मतलब मेरा बनी बिल्लू वहाँ से आएगा, वो टनल में जाएगा और यहाँ से निकल आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो गाइस, नेक्स्ट है कॉटन क्लॉथ। इसे केज में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रैबिट जो पुअर पी करते हैं वो ये सक कर लेता है। आप ये भी रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो गाइस, नेक्स्ट है टॉय, रैबिट टॉय। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, पर अगर आप घर पे भी बना रहे हो तो उसके अंदर हे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका रैबिट हे नहीं खाता हो तो वो खेलते खेलते हे खाना शुरू कर देगा। आप पूछोगे टॉय रखने की क्या गरज है। अगर आप कभी कभी आप रैबिट को केज में रखते हैं तो फिर वो उसे अकेला अकेले फील होता है तो वो करेगा क्या। तो आप ऐसे टॉय के साथ वो खेल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो गाइस, नेक्स्ट है वाटर। कुछ लोग कहेंगे कि रैबिट्स वाटर नहीं पीते, वो गिरा देते हैं। अगर आप स्टील या फिर प्लास्टिक के बाउल में देंगे तो वो ज़रूर गिराएंगे। मैंने तो स्टील के बाउल में क्यों दिया, क्योंकि मेरे पास केज के अंदर भी हैंगर है वाटर रखने का और केज के बाहर भी। बस इतना ही बताना था मुझे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो बाय गाइस।